छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा था, चुनाव के गाजे बाजे चल रहे थे, उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र के गौरव के लिए जो जवान सेवा में रत थे, उसमें एक हमारे भरतपुर का जवान भी था। माओवादियों ने, नक्सलवादियों ने पीठ पर गांव करके चोरी छुपी से हमारे इस भरतपुर के जवान को लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, सामान्य मानवी की जिंदगी के लिए जान की बाजी लगा दी, उसने शहादत स्वीकार कर ली। अभी तो पिछले महीने की बात है, भरतपुर के नौजवान का शहीद होना और उसको मौत के घाट उतारने वाले माओवादी, नक्सलवादी, ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी लोगों को ये नामदार के राज दरबारी, उनके खासम खास, उनके राज्यसभा के मेंबर बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी ये तो क्रांतिकारी है। भाइयों बहनों, राजस्थान के वीर सपूत का, भरतपुर की धरती के बेटे का, उसके हत्यारों को क्रांतिकारी कहने वाले इस नामदार को हम माफ कर सकते हैं क्या? उनकी पार्टी को माफ कर सकते हैं क्या? इस चुनाव में हिसाब चुकता करोगे क्या?